लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मनपा क्षेत्र में कोरोना का कहर मचा है, ऐसे में नागरिक वैक्सीनेशन के लिए एंटीजन टेस्ट के लिए परेशान है। ऐसे दौर में घनसौली में एक भी ऐसा नागरिक आरोग्य केंद्र नहीं है जहां नागरिकों का एंटीजन टेस्ट हो सके, कोरोना वैक्सीनेशन हो सके। और इन्हीं सब तमाम मांगों को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद घनश्याम मड़वी जी भूख हड़ताल पर हैं। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं कि क्या मामला है और किन मांगों को लेकर आज उन्हें भूख हड़ताल पर बैठने की नौबत आ गई। पिछले 1.5 सालों से ये घनसौली में नागरी सुविधा केंद्र उपलब्ध होने के लिए मैं लगातार नई मुंबई महानगर पालिके को, प्रशासन को पत्र व्यवहार करके उनको बोल रहा हूँ कि घनसौली ये पूरे नई मुंबई महापालिका क्षेत्र में सबसे बड़ा नोड है, सबसे ज़्यादा लोक संख्या वाला गांव है और इस गांव में कोई भी नागरी सुविधा यानी जो आरोग्य सुविधा देने के लिए जो नागरी आरोग्य केंद्र ये उपलब्ध नहीं है। जो हमारा पुराना नागरी आरोग्य केंद्र था वो नादुरुस्त होने के कारण यहाँ से 1.5 साल पहले लेके गया, लेते जिस समय वो लेके जा रहे थे उस समय हमने उनको विनती की, उनसे पत्र व्यवहार किया कि आप ऑल ऑफ सडन ये मत लेके जाइए, इसकी पर्याप्त सुविधा आप मुझसे जो हमारे घनसौली गांव का विभाग कार्यालय वार्ड ऑफिस है उसमें ये आरोग्य केंद्र लेके आइए, जिसका इतने बड़े 1 लाख लोक संख्या का ये गांव है घनसौली। आप देखेंगे घनसौली वार्ड क्रमांक 27, वार्ड क्रमांक 28, 29, 30 और 31, 32 6 वार्ड को मिलकर एक भी यहाँ पे नागरी आरोग्य केंद्र नहीं है। और इसके कारण ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि घनसौली में नया मुंबई में सबसे कम एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट और जो नागरिकों को सामान्य बीमारी हो रही है उसकी सबसे कम जो टेस्ट है वो घनसौली में हुई है। खाली आप को पेपर में दिखाई दे रहा है कि घनसौली में मरीज कम दिखाई दे रहे हैं। घनसौली में मरीज क्यों कम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट करने के लिए उनको पर्याप्त सुविधा ही नहीं है। और ये होने के लिए हमने आयुक्त से बुहार लगाई, उनसे हम डायरेक्ट कांटेक्ट किया, उन्होंने उनसे बातचीत की कि बाबा ये सुविधा घनसौली में नहीं है, आप जल्द से जल्द तात्काल ये सुविधा आपको उपलब्ध करानी है, आपकी जिम्मेदारी है। मगर एक यहाँ का लोकप्रति होने के बाद जब हम कोई म्युनिसिपैलिटी को, प्रशासन को कोई पत्र देते हैं, कोई समस्या उठाते हैं तो कोई भी प्रशासन के ओर से सामने से आंसर आना जरूरी है, हमारे समस्या का उत्तर आना जरूरी है कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मगर एक लोक प्रतिनिधि होने के बाद भी सामने से जवाब नहीं आ रहा है तो सामान्य आदमी अगर कोई प्रशासन में बुहार लगाता है तो उसकी सुनवाई हो ही नहीं सकती। इसके द्वारा हम आपको यह कहने जा रहे हैं, साथ में आपसे ये मीडिया के माध्यम से ये कहने जा रहे हैं कि पिछले 2-3 महीने में आयुक्त साहब ने जो ज़रूरी चीज़ें नहीं है, जैसे जो इमरजेंसी कोई उस सुविधा का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे काफ़ी प्रस्ताव, करोड़ों के करोड़ों रुपए वाले प्रस्ताव, 50 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़, 10 करोड़ ऐसे बड़े से बड़े प्रस्ताव आयुक्त ने किसी के दबाव में आके या आपके खुद की पीठ थपथपाने के लिए उन्होंने मंजूर किए। मगर जिसकी सही में ज़रूरत है, अगर मुंबई के सरीके एरिया में और कई महाराष्ट्र के एरिया में 15-15 दिन में
एक महीने के अंदर बड़े से बड़े कोविड सेंटर खड़े किए जा सकते हैं। तो ये 1.5 साल में मैं अगर मांग कर रहा हूँ कि लोगों को सुविधा मिले, तो क्यों ये मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है? ये हमने, मैं जो अनशन पे बैठा हूँ, इसमें कोई ही व्यक्तिगत अपना स्वार्थ नहीं है। इसमें एक ही है कि बार बार प्रशासन से बुहार लगाने के बाद भी अगर न्याय नहीं मिलता, तो एक ही उसके लिए यह है आंसर है कि जनता के दरबार में जाओ। तो जनता के दरबार में मैं आया हूँ और जनता में बुहार लगा रहा हूँ कि ये सब सर्वसामान्य जनता को न्याय मिलने के लिए, गोर गरीब जनता को सुविधा मिलने के लिए मैं यहाँ पे अनशन पे बैठा हूँ। मुंबई में तमाम सुविधाएं, चाहे वो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर हो या टेस्ट को लेकर हो, तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर घनसौली में ऐसी व्यवस्था आज भी 1.5 साल में नहीं हुई है, तो क्या कमिश्नर और महानगर पालिका झूठ नहीं बोल रहे हैं? ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं लग रहा आपको? 101% आयुक्त और उनके साथ की टीम 101% झूठ बोल रही है। आज भी आप जाके देखिए, घनसौली में जो सेक्टर 6 में आइसोलेट प्लेस में जो आरोग्य केंद्र म्युनिसिपैलिटी ने जहाँ पे स्थलांतरित किया है, आप जाके देखो, एक दिन के लिए 100 वैक्सीनेशन वहाँ पे आ रही है। 100 वैक्सीनेशन, वो भी एक हफ्ते में 2 बार आ रही है, उसमें से 5 दिन उपलब्ध ही नहीं रहती। और 1 लाख जनसंख्या में ये 100-100 वैक्सीनेशन दे के आपको जिंदगी निकल जाएगी इनको वैक्सीनेशन देते देते। तो ये झूठ नहीं बोल रहे तो क्या कर रहे हैं? कौन कौन सी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर आप इस तरह से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं? हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जो घनसौली गांव का नागरी आरोग्य केंद्र था, वो घनसौली गांव में तात्काल बने, शुरू में वो विभाग कार्यालय में शुरू हो, और जो नादुरुस्त आरोग्य केंद्र की जो इमारत है, वो इमारत को तात्काल उसकी निविदा मंजूर करके उसका काम शुरू किया जाए। साथ में घनसौली में वैक्सीनेशन की कोई सुविधा नहीं है। जो हमारे घनसौली की सबसे पुरानी स्कूल है, स्कूल नंबर 42 नई मुंबई महानगर पालिका की, उस स्कूल में वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध की जाए। साथ में एक अपना सामाजिक केंद्र है प्रभाग क्रमांक 30 में, वार्ड क्रमांक 30 में कौलाली में, वहाँ पे भी वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की जाए। और म्युनिसिपैलिटी का जो वार्ड ऑफिस है, उसमें काफ़ी पर्याप्त जगह उपलब्ध है, उसमें भी वैक्सीनेशन की और सामान्य नागरिका की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध की जाए। यही हमारी प्रमुख मांगे है। अभी आपको कितनी उम्मीद है कि महानगर पालिका कमिश्नर, जो खुद को बहुत ही सक्रिय मान रहे हैं और उनका कहना है कि तमाम इंतजाम वो करने के लिए जुटे हैं, राज्य सरकार इसका तमाम इंतजाम करने के लिए जुटी, तो आपको पूरी उम्मीद है कि क्या आने वाले समय में जिस तरह से आप अनशन पर हैं, इससे आपकी जो मांगे हैं पूरी होंगी? अगर नहीं होती है मांगे, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगा, अगली रणनीति आपकी क्या होगी? क्या है कि ये घनसौली गांव है और घनसौली गांव हमेशा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। घनसौली गांव में ही स्वतंत्र सैनिक पैदा हुए, उन्हीं स्वतंत्र सैनिकों का मैं बच्चा हूँ। तो जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक मैं अनशन से हटने वाला नहीं हूँ। और ये जो मांगे है, ये सर्वसामान्य नागरिकों के हित के लिए मांग है। ये कोई ऐसी मांगे नहीं है जो पूरी की जा नहीं सकती। हमें भी मालूम है कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए, मगर अभी जो समय की मांग है, उसी तरह हमने ये मांगे रखी है। और जब तक ये पूरी नहीं होंगी, मैं इस जगह से तस से नस होने वाला नहीं हूँ। नागरिकों के लिए आप आंदोलन पे अभी इस तरह बैठे हैं, कितना रिस्पांस मिल रहा है स्थानीय लोगों का, जिनके लिए आप ये अनशन शुरू किए? आज के समय में जो पैंडेमिक का समय है, जो कोरोना की स्थिति है, ये देखते हुए हमने हमारे सभी नागरिकों को, जो हमारे हितचिंतक है, उनको सभी को हमने बोला कि आपको मैं अनशन पे बैठ रहा हूँ, आप प्लीज़ कृपया करके यहाँ पे आओ मत, क्योंकि हमारी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इसके कारण कोई कोरोना के कारण क्षतिग्रस्त न हो। और हमको इस
अनशन में घनसोली के सभी ग्रामस्थ लोगों ने, सभी सामाजिक मंडलों ने, सभी सामाजिक सेवा देने वाले जो समाज सेवक है उन्होंने, सभी ने हमको समर्थन दिया है। हजारों के संख्या में मेरे फोन में उनकी इस अनशन को उन्होंने शुभकामना दी है और जल्द से जल्द अनशन हमारा पूरा हो इसकी उन्होंने हमें शुभेच्छा दी है। तो ये जो हमारे घनसोली के वासी है वो हमेशा ये सब काम में हमारे साथ ही है और आगे भी हमारे साथ रहने वाले हैं। तो थैंक यू सर। जैसा कि देखा आपने कि घनश्याम मंडवी जी का ये अनशन इस बात का सबूत है कि नवी मुंबई महानगर पालिका घनसोली में आरोग्य सेवाओं की बहाली के लिए निश्चित तौर पर फेल दिख रही है। हम उम्मीद करते हैं कि महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं इनके आंदोलन के बाद जागेंगे और घनसोली में वैक्सीनेशन सेंटर और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए इंतजाम किए जाएंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी1 इंडिया, नवी मुंबई।